कि इस नवरात्रों में जो आश्विन महीने के नवरात्रे 17 अक्टूबर से 26 अक्टूबर दशहरे तक 10 दिन का एक बहुत विशेष आयोजन करने की रूपरेखा तैयार हो गई है। मैं उसमें आप सभी भक्तों के लिए, आप सभी शिष्यों के द्वारा जो संकल्प मुझे ऑनलाइन दिया जाएगा, मैं आपकी ओर से मुख्य यजमान बनकर बनारस, वृंदावन, अयोध्या आदि से 11 ब्राह्मणों का मंडल आकर विधिवत इस अनुष्ठान को करेगा। इस अनुष्ठान का नाम है शिव शक्ति अनुष्ठान। नवरात्रों में इन 10 दिनों में 100 पाठ दुर्गा सप्तशती के होंगे, जिसे सप्तचंडी अनुष्ठान कहते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान शिव का अभिषेक होगा। इसके अतिरिक्त 5 लाख मंत्रों का जाप भी विशेष रूप से किया जाएगा। इसके साथ ही मैं देवी माँ भगवती का चरित्र भी आपको प्रतिदिन 9 दिनों तक समय निकाल कर आपको श्रवण कराऊंगा, आपको कैसे क्या करना है। इसलिए ऐसे शुभ अवसर पर इस समय 2 प्रकार के यजमान बनाए हैं। पहला प्रमुख यजमान जो 17 तारीख से यानी 17 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक पूरे 10 दिन के लिए प्रतिदिन संकल्प किया जाएगा, और उन यजमानों का मैं अपने हाथों से विद्वान आचार्यों के माध्यम से अनुष्ठान पूर्ण कराऊंगा। इन नवरात्रों में जो अनुष्ठान होगा और जो 9 या 11 प्रमुख यजमान बनेंगे, उनके लिए विशेष एक लक्ष्मी यंत्र, परम सिद्ध यंत्र तैयार किया जाएगा, और जो नित्य यजमान बनेंगे उनके लिए एक सिद्ध रुद्राक्ष माला सिद्ध की जाएगी। अनुष्ठान के पश्चात पोस्ट के द्वारा, स्पीड पोस्ट के द्वारा या कोरियर के द्वारा उनके पते पर हम अपने हाथ से उनको समर्पित करेंगे और उन्हें बताएंगे कि उन्हें कैसे स्थापना करनी है, उसका क्या फल है। इसलिए ऐसा शुभ अवसर मैंने अपनी जिंदगी में नवरात्रों के अनुष्ठान, शिव शक्ति अनुष्ठान प्रथम बार कर रहा हूँ। और केवल आप जैसे शिष्य और भक्तों के परिवार के दुखों को, कष्टों को, समस्याओं के निदान के लिए और जो तुम्हारी कामनाएं हैं, आपकी कामनाएं पूर्ण हो, आप सुखी रहे, क्योंकि मेरा एक ही संकल्प है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्यम्।